हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। बज रहे हैं रात के 9, यहाँ पर हम क्लास कर रहे हैं और आज हम काफ़ी दिनों बाद इंग्लिश की क्लास कर रहे हैं और इंग्लिश की क्लास की शुरुआत हो चुकी है। फ़िलहाल के लिए मैथ और इंग्लिश डेली होगी। मैथ की क्लासेस आपको जो यहाँ पर होनी है वो बीच बीच में होगी, बाकी मैं जो प्रीमियर क्लास करने वाली हूँ वो डेली होगी। तो जो स्पेशल बच्चे हैं, बैक लगी है जिनकी या और भी जो चीज़ें हैं, वो बच्चे वो क्लास ज़रूर उसमें एनरोल करके, और शुरू से मैं उसमें बेसिक से मैथ पढ़ाऊँगी, उन क्लासेस में बेसिक से मैथ पढ़ाऊँगी, तो वो काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। फ़िलहाल चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, जहाँ पर हम आर्टिकल के बारे में शुरुआत करेंगे। मैंने इसके ऊपर आपको कई बार प्रश्न तो करवाए लेकिन अभी तक पढ़ाया नहीं था, तो अब बारी है आर्टिकल की शुरुआत करने की। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। और रिजल्ट के बाद हम इंग्लिश की ये पहली क्लास कर रहे हैं। प्लीज़ चैनल को अब सब्सक्राइब कर लीजिए, जो अभी तक नहीं किया था, नहीं जानते इस चैनल के बारे में, नहीं पता था, नहीं ज्वाइन हो पाए थे, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में देखिए पिन करके दिया गया, ब्लू कलर की लिंक रहती है जो आप लोग बहुत खोजते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दिया जाता है, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा क्योंकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन कभी कभी यूट्यूब के थ्रू नहीं मिलता है, तो वहाँ पर हर क्लास होने के पहले लिंक दिया जाता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट करके यहाँ पर आ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आर्टिकल की इस क्लास में आज है क्या। तो आर्टिकल के बारे में तो हमने अपने जो बचपन की क्लासेस होती, वो छोटी वाली जो क्लासेस हमारी थी जिसमें हम नटखटपन ज़्यादा करते थे, तो उन क्लासेस में हमने कई बार इसको पढ़ा है। ए पढ़ा है हमने, एन पढ़ा है हमने, दा पढ़ा है। इनका हमें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें इनमें आएंगी, उनको बारीकियों से नियम को देखेंगे और हमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही इनके प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपको परिभाषाएं नहीं आएंगी, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में ही आएगा। इनका एमसीक्यू भी बनता है, जो 5 एमसीक्यू आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का पेपर पूरा इंग्लिश में आएगा, उसमें हिंदी बिल्कुल नहीं लिखी रहेगी और आपको कॉपी भी इंग्लिश में ही लिखनी होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एमसीक्यू जो बनते हैं वो आर्टिकल पर अक्सर आया करते हैं। चलिए आइए जानते हैं ये है क्या, बहुत बेसिक से। ठीक है, तो यहाँ पर है कि आर्टिकल है क्या, व्हाट डू यू मीन बाई आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल से आप क्या समझते हैं, आर्टिकल क्या चीज़ें हैं। तो आर्टिकल आर वर्ड लाइक ए, एन एंड द, ये तीन चीज़ें, इसमें तीन बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल आर अ वर्ड लाइक ए, लाइक एन, लाइक द, दैट वी यूज़ बिफोर नाउन, जिसको हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं, जिनको हम संज्ञा के पहले यूज़ करते हैं। संज्ञा क्या होती है, जो सब्जेक्ट होता है, या तो वो नाउन होता है या तो वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं। पीपल के पहले बिल्कुल यूज़ होगा, प्लेस के पहले यूज़ होगा, थिंग्स के पहले यूज़ होगा, टू गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, हम इसको यूज़ करके उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या स्पेसिफाई कर देते हैं विच वन वी आर टॉकिंग अबाउट, या उसको स्पेसिफिक बना देते हैं जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ए एंड एन आर द इनडेफिनेट आर्टिकल, ये जो ए है और ये जो एन है ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल। कभी कभी ये बहुत बेसिक सा पूछ लिया जाता है कि ए और एन कैसा आर्टिकल, आर्टिकल भी दो प्रकार का होता है, एक डेफिनेट होता है एक इनडेफिनेट होता है। तो ये ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, इंडिकेटिंग एनी वन ऑफ द समथिंग, एनी वन ऑफ समथिंग, वाइल द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल, द की बात हो रही है तो द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, लेकिन ए और एन जो होता है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, एक बेसिक सा इंट्रो। आगे बढ़िए, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल की, कच्ची सी डेफिनेशन की। कभी कभी आता है कि आर्टिकल की डेफिनेशन राइट करने को, तो हम लिखते हैं आर्टिकल इन इंग्लिश आर यूज बिफोर द नाउन, इंग्लिश में जो आर्टिकल यूज़ होते हैं उनको हम नाउन के पहले यूज़ करते हैं, टू लिमिट, टू लिमिट उनको लिमिट करने के लिए, और डिफाइन द यूज़ ऑफ द नाउन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब वो जो नाउन यूज़ किया गया उस सेंटेंस में उसको डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, उसको स्पेसिफिक दिखाने के लिए हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं। तो बहुत बेसिक सी छोटी सी दो लाइन की आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट ने बताई। आगे बढ़िए, अब आर्टिकल के कुछ प्लेसेस हैं वो ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट, आर्टिकल के स्थान कह सकते हैं या कुछ रूल्स कह सकते हैं, ये रूल नोट डाउन कर लीजिएगा। जो बच्चे पेड नोट्स लिए हुए हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें, जो बच्चे पेड नोट्स लिए उनको अपनी पूरी तैयारी पेड नोट्स से ही करनी है। यहाँ के जो नोट्स हैं इसमें से कुछ चीज़ें हैं अगर उसमें नहीं मान लो, क्योंकि एक साथ नोट्स बनती है तो इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, कितना बनाना करना, तो कुछ चीज़ छूट जाती हैं क्योंकि मैं भी इंसान हूँ।
तो उसमें अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इतना तो करना बनता होगा ना, क्योंकि बुक्स में भी देखो तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, प्रिंटिंग अच्छी नहीं रहती है, तो इतनी तो मेरे को भी तो छूट मिल जानी चाहिए, ठीक है, नहीं तो मुझे चढ़ा दो एकदम। तो कुछ चीज़ें जो उसमें से कुछ कुछ है जो बहुत यूनिक है और नहीं मिल रहा है नहीं, तो आप वो नोट डाउन कर लो, अदरवाइज आप अपनी तैयारी उसी से करो। बाकी यहाँ पर सिर्फ क्लासेस ले लो छोटी छोटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के से ठीक पहले होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कहाँ पर यूज़ होता है, नाउन से ठीक पहले। ये ठीक पहले याद करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपको फिल करना रहेगा तो आपको उसमें सेंटेंस में नाउन को अगर फाइंड करना आता है तब आप उसके ठीक पहले ए एन का यूज़ कर लोगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से एक एक बात को समझें। दूसरा, जब एक से अधिक नाउन का प्रयोग होता है तो प्रत्येक नाउन के पहले आर्टिकल लगता है। सपोज़ करिए कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन है, मोर देन टू नाउन, मोर देन थ्री नाउन, मोर देन फोर नाउन, चार चार नाउन यूज़ किया गया है, तो प्रत्येक के लिए यूज़ होगा, सिर्फ किसी एक में ही नहीं होगा, हम सब के आगे लगाएंगे, हम सब के आगे उनका प्रयोग करेंगे, रूल नंबर टू। आगे बढ़िए, रूल नंबर थ्री, एक से अधिक नाउन या एडजेक्टिव एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध करता है, चाहे एक से अधिक नाउन हो या एडजेक्टिव हो, वो एक ही व्यक्ति का या एक ही वस्तु को ही इंडिकेट करेंगे, तो सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल। जैसे आपने एक सेंटेंस यूज़ किया, उस सेंटेंस में कोई एक ही नाउन आ रहा है और एडजेक्टिव एक ही की बात हो रही है, मतलब एक नाउन है, दो नाउन है, तीन नाउन है, लेकिन वो जो नाउन है वो सिर्फ एक के बारे में ही सारी बात कर रहा है, तो आपको हर जगह लगाने की जरूरत। हर जगह हम तब लगाएंगे जैसे राम श्याम सीता गीता रीता, ऐसे अलग अलग नाउन हो गए तो वहाँ पर हम सब लगाएं, लेकिन जैसे राम की बात हो रही राम राम राम, तो राम के आगे फिर जो है बार बार अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर बार बार जाके हम नाउन वहाँ पर मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, नाउन है और नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लगा है, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। जैसे ये कहा जा रहा है कि हम जो आर्टिकल ये ए है, जो आर्टिकल एन है, जो आर्टिकल दा है, हम इसको जब नाउन के पहले यूज़ कर रहे हैं तो हम नाउन के पहले यूज़ कर, लेकिन इसमें एक बात ये आ गई कि इस नाउन के पहले यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज़ हो जा रहा है, तो हम नाउन कहाँ लगाएंगे। तो अगर आप फिर ऐसा करोगे तो आप इसी बीच में नाउन लगा दोगे, आर्टिकल लगा दोगे, तो ये गलत है, ये नहीं करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव या उसकी विशेषता दे दी गई है, तो आप जब कभी भी नाउन के आगे जो आपको आर्टिकल लगाना था वहाँ आप नहीं लगाएंगे, फिर अगर एडजेक्टिव दिया तो एडजेक्टिव के आगे लगाएंगे, ठीक है। नहीं तो आप करेक्ट करने के लिए जो है ऐसे ऑब्लिक लगा के और वो करना, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि हम पढ़ते क्या है कि नाउन के आगे हम यूज़ करते हैं, और जहाँ हमें नाउन दिखता है वहाँ पर हम उसको करेक्ट कर दे, क्योंकि हमारा वो गलत हो जाता है। तो चार रूल हो गया। देखिए, जैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टॉय, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टॉय, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टॉय, तो इस तरीके से आपको देखो यहाँ पर ये ए यूज़ हुआ है, लेकिन आपका जो ये नाउन है, नाउन तो ये है, ब्यूटीफुल तो उसकी विशेषता है, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, लेकिन आपका आर्टिकल यहाँ पर यूज़ हुआ है, यही मैं आपको इस वाले एग्जांपल में बता रही हूँ, समझ में आई बात। क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो हमने ए यहाँ पर यूज़ किया, ये ए ब्यूटीफुल की जगह होना चाहिए, लेकिन ये उस जगह पर होगा जहाँ पर ये एडजेक्टिव नहीं लगा होगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको नाउन के आगे इसका एडजेक्टिव लगा है, तो हम हमेशा आर्टिकल एडजेक्टिव के आगे यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दैट इज़ द डीपेस्ट रिवर, तो ये रिवर यहाँ पर नाउन है, लेकिन ये जो आर्टिकल दा यहाँ पर यूज़ हुआ, ये यहाँ होना चाहिए था ना, यहाँ पर इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि डीपेस्ट जो है गहरा, वो उसकी विशेषता है, गहरा वो उसकी विशेषता है, इसलिए वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई आप लोगों को, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। तो ये चार आपको रूल्स ध्यान रखने होंगे ताकि जब आपको लगाने को मिले तो आप कर लें। चलिए इसी के साथ फटाफट क्लास को लाइक करिए, हमारी क्लास के 10 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने आपको पढ़ाया और बताया, अब आगे बढ़ते हैं और करेंगे, लेकिन लाइक तो बनता है, मंदिर में आना है तो घंटी तो ज़रूर बजानी होगी। चलिए जल्दी से करिए, तभी तो आपको प्रसादी मिलेगी। क्विक 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 ईच एंड एवरीवन, कोई प्रॉब्लम है तो आप भी फ्रैंकली पूछ सकते हो, पूरी हेल्प जितनी होगी उतनी की जाएगी आप सभी की यहाँ पर। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, और भी चीज़ें जो हमें दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं, तो हमारा चीज़ें और अच्छे से आगे बढ़ जाएगा, और फिर कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। चलिए
आइए जान लेते हैं चीज़ें हैं क्या, पांचवा रूल क्या है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब हो तो ए एन का प्रयोग सबसे नज़दीक आने वाले एडवर्ब के अनुसार होता है। अब इसमें एक नया चेंज आ गया, पहले एक चेंज आया तो हम नाउन के आगे अगर एडजेक्टिव लगा था तो उसके आगे ए एन यूज़ कर रहे थे, अब लेकिन ये कह रहा है कि एडजेक्टिव के आगे भी कुछ लगा हो तो कहाँ पर लगाएंगे, तो हमेशा एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब ही लगा रहता है। तो अब हम जब ए एन को यूज़ करेंगे तो वो उस एडवर्ब के आगे यूज़ करेंगे। तो ये तीनों लाइनों में, तीनों में अलग अलग नियम के अनुसार थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, इसके भी एग्जांपल देख लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या है। देखो कि ये यहाँ पर जैसे पहला एग्जांपल है कि प्रियंका इज़ अ फेयरली टेल गर्ल, ठीक है, फेरी टेल गर्ल, एल नहीं पढ़ेंगे, एल साइलेंट होता है, फेरी टेल गर्ल। तो यहाँ पर जो गर्ल है एक, ठीक, प्रियंका भी नाउन है, उसी के बारे में, इसलिए हम एक ही यूज़ करेंगे। हमारा जो आर्टिकल यूज़ हुआ है वो कहीं ये यूज़ हुआ ए, ठीक है, ये टॉल जो है, टॉल लंबाई मतलब लंबी, तो प्रियंका इज़ अ फेरी टॉल गर्ल, तो टॉल उसकी लंबाई उसकी विशेषता है, और फेरी यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ये उसका एडवर्ब है, लेकिन ये जो आर्टिकल है वो एडवर्ब के आगे यूज़ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, जो आप गलत अगर रीड आउट कर लोगे तो गलत समझोगे, समझ के चलोगे तो आपको, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आप एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन, बहुत सारी चीज़ें पहचान ही नहीं पाते बच्चे, इसी में गलती कर देते हैं। तो वो मैं आपको ये आर्टिकल पढ़ा रही हूँ, उस आर्टिकल के बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है वो बताऊँगी, ताकि आप पहचानना सीखो, नहीं तो जब आप पहचान नहीं पाओगे तो ये फिर आप ए एन कहाँ पर यूज़ करना है बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाएंगे, मुझको मालूम है। जो लगा ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, वो कोई SSC की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके लिए ईजी है, लेकिन जो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही चीज़ें वो कर रहे हैं तो उनके लिए टफ पड़ जाता है। फिर उसके बाद मुस्कान इज़ अ वेरी गुड गर्ल, तुम गर्ल, नाउन, गुड विशेषता, वेरी विशेषता की भी विशेषता, एडवर्ब है, तो ये ए यहाँ पर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल ब्यूटीफुल, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों को ध्यान रखना होगा ताकि आपकी हेल्प की जाए। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 6। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ लगा हो, एडजेक्टिव के पहले सो लगा हो, टू लगा हो, अस लगा हो, ऐसा कुछ भी लगा हो, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव और नाउन के बीच में होता है। आप देखिए अभी तक क्या बोला था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा तब वहाँ पर आर्टिकल यूज़ होगा, लेकिन अब बोल रहा है कि यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के पहले हाउ लगा हो, सो लगा हो, टू लगा हो, एस लगा हो, ऐसा कुछ भी यूज़ हो रहा है तो आर्टिकल बीच में यूज है। जैसे हाउ फाइन अ डे, हाउ फाइन अ डे, तो आपको क्या दिख रहे हो यहाँ पर, ये आपका डे दिया, ये आपका क्या दिया है, फाइन दिया है, ठीक है, और आपका आर्टिकल ये बीच में यूज़ हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। फिर इट इज़ सो गुड एज अ चांस, तो ये आर्टिकल आपका बीच में यूज़ हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है, ही इज़ टू प्राउड अ मैन टू आस्क फॉर हेल्प, तो ये आपका बीच में ये एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपके एडजेक्टिव है, आपका नाउन, तो इस तरीके से यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का तो क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया, आगे चलते हैं देखते हैं। नेक्स्ट 7th है, 7th में कहता है कि बोथ, सच, डबल, मेनी, रेदर, एग्जैक्टली इत्यादि का आर्टिकल का यूज़ हुआ है, होता है किस तरीके से, तो हम मतलब ऐसा ये भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जस्ट द राइट मोमेंट, तो यहाँ पर दा यूज़ हुआ। फिर उसके बाद मेनी अ कैंडिडेट, तो यहाँ पर यूज़ हुआ, तो मतलब समझो थोड़ा सा। सच अ गर्ल, यहाँ पर यूज़ हुआ, ये इस तरीके से आपको कई सारे यूज़ करने होंगे, मतलब ए एन दा भी आगे जब बताते हैं आपको आगे चल के, तो आपको फिर मतलब ये ईजी हो जाएगा और आप भी करने लगेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि क्या काफ़ी बोरिंग है, मतलब टफ़ पढ़ रहा, ऐसा नहीं। अभी कुछ कुछ चीज़ें और आगे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तब आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़िए, ये देखिए आर्टिकल के टाइप 2 हैं। मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सांस अटक रही है, ठीक है, समझो इस बात को, सूखी खांसी टाइप से हो गया है, तो वो जब तक
साफ नहीं होगा बलगम तब तक प्रॉब्लम मुझे करेगा, तो मैं अगर बहुत तेज़ बोलूँगी तो मैं क्लास नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से थोड़ा सा कुछ दिन की बात है सही हो जाएगा, नहीं तो क्लास लगातार बंद हो जाएगी काफ़ी दिन तक, और वैसे मैं करती नहीं हूँ ये बात आप जानते हो, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना। वैसे मैं तेज़ तेज़ पढ़ाती थी, कंप्लेन तो सभी करते रहते हो, तो आप धीरे धीरे पढ़ लो। अब आर्टिकल जो पढ़ रहे थे हम, ये आर्टिकल भी दो प्रकार का है, एक इनडेफिनिट होता है एक डेफिनेट होता है। इनडेफिनिट में ए एन आता है, डेफिनेट में द आता है। तो इन आर्टिकल पे काफ़ी सारे प्रश्न हमें बनेंगे जिनके बारे में हम काफ़ी मल्टीपल क्लासेस करेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये जो इनडेफिनिट आर्टिकल है इनके बारे में इनकी एक परिभाषा देखते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल आर आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल वो आर्टिकल होता है एज द नेम सजेस्ट डिनोट समथिंग विच नॉट डेफिनेट। जैसे इसका नाम है उससे ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो डेफिनेट नहीं, जो फिक्स नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है। ए एन, ठीक है, उसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल के, जो जिसका नाम ही अनिश्चित है, तो वो यहाँ पर जैसे हम जहाँ पर यूज़ करते हैं वो चीज़ें फिक्स नहीं है, वो सर्टेन नहीं है, ठीक है? परिभाषाएँ तो आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल आर आर्टिकल एज अ नेम सजेस्ट डिनोट समथिंग विच नॉट डेफिनेट, जो फिक्स नहीं है, जो स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है? आगे बढ़िए और देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कि द इनडेफिनिट आर्टिकल इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हम इनडेफिनिट आर्टिकल को जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है उसके आगे यूज़ करते हैं, जैसे बुक, अ बुक, ठीक है, ऑरेंज, एन ऑरेंज, गर्ल, अ गर्ल। तो इस तरीके से हम इनडेफिनिट आर्टिकल को सिंगुलर काउंटेबल, जैसे अ बुक का मतलब क्या है? एक किताब। एन ऑरेंज का मतलब क्या है? एक ऑरेंज। ए गर्ल का मतलब क्या है? एक लड़की। तो जहाँ पर सिंगुलर है, सिंगल की बात है, अकाउंटेबल का मान मतलब क्या है कि गिनने योग्य है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे देखो एग्जांपल देख लो, मेरे पास एक किताब है, हिंदी में लिखा है मेरे पास एक किताब है, इसका ट्रांसलेशन होता है आई हैव अ बुक। तो ये जो एक लिखा है ये सिंगल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि एक ही किताब की बात हो रही है, तो ए यूज़ हो रहा है, ठीक है? तुमने एक बूढ़ी औरत को देखा, यू सॉ एन ओल्ड वुमेन। तो हम जानते हैं कि ये वुमेन डब्ल्यू होता है, लेकिन हम जब लिखते हैं तो क्या वुमेन लिखते हैं, वा आता है, वुमेन लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो वा नहीं आएगा, वुमेन लिखते हैं। तो ये यहाँ पर आपका ओल्ड जो लगा हुआ है इसकी वजह से आपका ये यूज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये एन यहाँ पर देख लो आपको यूज़ किया गया है, एक की बात है। मोनिका के पास एक लंबी छड़ी है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे हम इनको यूज़ करते हैं, तो मोनिका हैज़ अ लॉन्ग स्टिक, तो इस तरीके से यूज़ हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं जब आप अच्छे से डिटेल में और समझेंगे, मैं इसके आगे आपको कल बताऊंगी, अभी फ़िलहाल के लिए इतना करते हैं क्योंकि बोलने में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं इसी वजह से। कल मैं आपको इसके ऊपर और ए एन द आर्टिकल क्या होता है वो ए एन के बारे में डिटेल बताऊंगी, यूज़ बताऊंगी, फिर था जिस पर क्लासेस आपकी लंबी होंगी, और रात में मैं आपकी ये क्लासेस फिक्स कर रही हूँ कि इंग्लिश की हम करते चलेंगे। ईजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, आप कर ले जाएंगे। तो चलते हैं फिर आज की क्लास करना चाहेंगे ओवर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास काफ़ी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी, आपने कुछ सीखा समझा जाना। कोई दिक्कत होगी तो बताने का प्रयास करिएगा, जितनी होगी उतनी हेल्प आपकी करेंगे। बाकी इसके ऊपर हम कई सारी क्लासेस करने वाले हैं, समय के साथ बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। आपकी क्लासेस की सेम टाइमिंग वही है, शाम को 4 बजे जो चलती थी 4 PM पर है, शाम को 9 बजे, रात में 9 बजे चलती है वो है, सुबह 10 AM पर जो क्लासेस क्वेश्चंस की होती थी वो आपकी होगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है, समय पर आना है, पढ़ना है, देखना है, सीखना है, फिर कोई दिक्कत है तो शेयर करके पूछ लेना ताकि आपकी हेल्प कर दी जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।